तो अब चुनाव हम लोग उनको नहीं करेंगे, जितना दिखाना है दिखा ले, अब नहीं चलने वाला है और नहीं धमकी से डालने वाले है। नारी एक जो अपना उतर जाए ना तो काली का रूप चंडी का रूप ले लेगी, हम नारी शक्ति जिंदाबाद बनाएंगे, आप नहीं डालने वाले। बोल दीजिए नीतीश को, बोल दीजिए तेजस्वी को, बोल दीजिए जिसका चुना वो नहीं सुनेगा नहीं देखेगा। हाँ मैडम सहायिका है, सदर ब्लॉक के अंदर हैं और यहाँ पे आप आशा माफ कीजिएगा आंगनबाड़ी जो सेविकाएँ हैं यहाँ पे हड़ताल की हुई है, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप लोग हड़ताल की हुई। हम लोग हड़ताल किए हैं कि सरकार हम लोग को मानदेय बढ़ाए और सरकारी कर्मचारी की दर्जा दें। जैसे मान लीजिए हम लोग काम कर देखिए हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाना, 18 को रजिस्टर बनाना, PHR वितरण करना, गृह भ्रमण करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, पोलियो पिलाना, स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना, मतदान संबंधी सभी कार्य करना, सरकारी मोबाइल मिलने के बावजूद भी अपने मोबाइल से काम करना, ये कहाँ का न्याय है। जैसे हम लोग को 5900 रुपया मिलता है, आप बताइए कि 5900 रुपया में हम एक तो बच्चा को नहीं पढ़ा सकते हैं तो अपने अपने भरण पोषण कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं, सरकार हम लोग को समान काम का समान मानदेय दे। अच्छा क्या लगता है जिस प्रकार आशाओं ने अपना हड़ताल किया था तो तेजस्वी यादव ने उस पर सुनवाई भी किया जी, तो क्या लगता है आप लोग की बातों को मानेंगे? हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारा मानदेय की वृद्धि नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। नीतीश कुमार से यही मांग करना चाहते हैं, या तो मेरा संतोषजनक मानदेय दे या सरकारी कर्मी घोषित कर दे, क्योंकि 5950 रुपया में हमारा नहीं चल रहा है, एक बच्चा को नहीं पढ़ा सकते हम, तो अपना कैसे खाली पेट कैसे घूमे, खाली पेट कैसे काम करें हम, भूखे पेट तो कुछ नहीं हो सकता है। और आर पार की लड़ाई है, अबरी तो उनको करना ही होगा, यस या नो। अच्छा 2024 लोकसभा है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है अगर मांगों को पूरी नहीं किया गया आशा कार्यकर्ताओं क्या? हम लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, भूखे पेट रहना पड़े, मरना पड़े, मरेंगे, ऐसे भी मर रहे हैं इस तरह भी मर जाएंगे, लेकिन हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। अनीता कुमारी सेंटर से, क्या मतलब है सिवान सदर ब्लॉक सेविका आंगनबाड़ी, यहाँ पे और सब भी है। हम लोग सहायिका के बहाली हुआ 2004 में है, उस समय हमने 500 से काम किया है, आज तक ले बढ़ाते बढ़ाते कितना किए हैं 2925 रुपया, उसमें क्या मिलता है? एक दिन मजदूरा मजदूरी करने के लिए जाता है तो 450 रुपया कमा कर लाते हैं, हम लोग 4 घंटा उनका ड्यूटी देंगे तो 4 घंटे के बाद हम किसी खेत में मजदूरी करने जाएंगे? जब हमारा पेट नहीं भरेगा तब उनका काम क्यों करेंगे, काहे लिए करेंगे? एक बच्चा लोग का संभालने में हालत बुरा हो जा रहा है, हम लोग 40 बच्चा संभाल रहे हैं, हम लोग के अति नहीं है, हम लोग का पेट नहीं है, हम लोग जिमी सेल्स। अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। हम लोग का क्या दिया है? हम लोग का लड़का काल कुछ है कि तुम लोग नौकरी में थी, लो आप लोग का क्या मिला है? हम लोग का क्या दिया है? बोलिए इस समय में 500 रुपया 450 रुपया दिन का मजदूरी क्या की नहीं, हम लोग का 100 रुपया भी नहीं है, 100 रुपया का कौन इंसान जो है की ड्यूटी करेगा? 2004 से 2023 आ गया, आज तक उनका अथी नहीं है, अपने पेट भर रहा, दूसरा पेट नहीं दिखाई दे रहा गरीब का, ज्यादा को उनका काम करेगा? जब तक ले हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, जब तक ले हम लोग के मांगे नहीं पूरा होगा, चाहे जितना धमकी दे ले कि नहीं चालू कीजिए लो तो हम बंद कर देंगे, तुम लोग का हटा देंगे, उनका कितना क्षमता है जो हटा देंगे वो हटा कर देखा देंगे। नीतीश कुमार, हाँ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव तो बोला था क्या मैं हो जाएंगे तो सबका सहायता लोग क्या कर देंगे, इतना नौकरी दिलाएंगे, आशा वाले को तो किए हम लोग, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं,
आशा वाला पैसे पहले से हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, 2004 से कर रहे हैं। आशा वाला लोग के 10-10 हजार का मोबाइल मिल गया, उन लोग के सब चीज मिल गया। साइकिल लोग क्या है रसोईया, क्या समझते हैं अपने आप को? बड़का हम लोग को नौकरी सर्विस दे दिए हैं, वो अपना सर्विस अपना घर पर रखे, दूसरे का झाड़ू पोछा करेंगे ना, एक घर का 5000 रुपया महीना कमाएंगे, उसमें भी जाकर उतना करते हैं, बच्चे को बुलाओ, झाड़ू लगाओ, बनाओ, खिलाओ, बर्तन दो, तो क्या कर रहे हैं? हमको क्या दिए हैं? कुछ नहीं दिए हैं। अभी जब तक लहाकाल करेंगे, सेवका लोग का 25,000, सहायका लोग का 12,500, उनका मानदेय देना है, हर तरह से देना है जी। सब साइकिल का दिन रहता है, हम लोग दें नहीं देंगे तो हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, जहाँ तक ले जाना पड़ेगा, जहाँ तक ले जाएंगे लोग भूखे रोड पर मर जाएंगे लोग, कहीं ना है। हाँ, घर का औरत लोग को निकाल कर रोड पर फरिए दिए हैं, अब भूखे मुआ दें, उनका घर का परिवार में इज्जत है, हम लोग में कहाँ है? हम लोग तो रोड पर नचा रहे हैं, तो अभी भी भूखे मरा रहे हैं। दो बच्चे एक परिवार के 3,000 पर खर्चा चलेगा भैया, अभी बताइए ना, हमारे 4 बच्चे हैं तो हम कैसे खिलाएंगे उसको? हम दूसरे को मजदूरी करते तो अच्छा होता ना, एबरा कोई झाड़ू बर्तन कर रहा है किसी हॉस्पिटल में, किसी के घर का चौका बर्तन कर रहा है, तो 3,000-4,000 मानदेय है। चुनाव भी आने वाला है, आने वाला है ना, तो अब चुनाव हम लोग उनको नहीं करेंगे, जितना दिखाना है दिखा ले, अब नहीं चलने वाला है, और नहीं धमकी से डालने वाले है। नारी एक जो अपना उतर जाए ना, तू काली का रूप चंडी का रूप ले लेगी, हमारे ही रूप रहेगी, जिंदाबाद नहीं बनाएंगे, आप नहीं डालने वाले, बोल दीजिए नीतीश को, बोल दीजिए तेजस्वी को, बोल दीजिए जिसका चुनाव उन्हें सुनेगा नहीं देखेगा। हाँ, हम सहायका है, मेरा नाम नजरा का सुना, मेरा घर जिला है, नारा लगे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स, अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त।